ये हमारे मुखिया है जी, मुखिया है हमारे सरपंच साहब। मुखिया जी से तो गल जरूर करेंगे। असी मुखिया जी की नाम है हरदीप सिंह। मुखिया जी कैसा आप लोगों क्या इंतजामात है यहाँ पर? हाँ जी, क्या इंतजामात है यहाँ पर? इंतजाम पूरे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई इधर का भी आदमी और भी बोलेगा भी 10 लोग को एडजस्टमेंट कर दो, खाने को दे दो, रहने को दे दो, हम दे सकते हैं। ऐसा नहीं भी आप अपने लोग जो के लेके आए हैं मिलजुल के चल, साल लग जाए, 2 साल लग जाए, कोई मुश्किल नहीं। मतलब पूरा 2-2.5 साल का इंतजाम क्या करके आए? ये तो आज फैसला हो भी जाए ना, मोदी सरकार कानून को खत्म रद्द भी कर देगा, 1 महीना तो फिर भी रह के जाएंगे। ये सुन लीजिए, आपकी सरकार जी कह रहे हैं कि अभी 1 महीना रह के भी जाएंगे अगर रद्द भी कर दे। अच्छा एक गल और आपसे करेंगे, अभी एक बात हो रही थी कि आप लोग 6 महीने का राशन लेके, अभी हम एक सज्जन से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा इतना बाहर से ही आ जा रहा है कि हमें अपना तो स्टॉक खत्म शुरू ही नहीं हो पाया। हमारा तो स्टॉक ही बड़ा है, हमारा जो भी है ना स्टॉक ही बड़ा है। दिल्ली वाले लोग जो हमारे भाई है ना वो ही खिला रहे, हरियाणा वाले लेके आ रहे हैं, इतना है कि वो खा ही नहीं पा रहे सब। इतना बड़ा भैया, हमें तो एक और दिक्कत है, जे मोदी जी ने कानून वापस नहीं लिया ना, मन के चलो कि 6 महीने तक नहीं वापस लेते, हमारे तो पंजाबी ऐसे है एनिवर्सरी मनाने आया करेंगे साल भर में, हर साल में। मुझे लगता है कि जो साल रह गए ना दिल्ली को दिल्ली नहीं रहने देंगे, पंजाब ही बना देंगे जी। हाँ, सभी लोग पंजाबी बोलने लग जाएंगे, अभी तो हमको हिंदी बोलना पड़ता है ना, आती भी नहीं है पूरी, ठीक है ना, सभी लोग पंजाबी। फिर भी आप हमसे अच्छी बोल रहे हैं। और दिल्ली में रहने वाले लोग पंजाबी जब जाएंगे ना उदास हो जाएंगे। हम सिंघू बॉर्डर पर बने हुए हैं और इस समय हम एक ट्रॉली है और ट्रॉली में तंबू लगा हुआ है और कई सारे बुजुर्ग यहाँ पर आराम कर रहे थे, हमने माफ़ी मांग के उनसे बात की हुई है, क्योंकि ये उनके आराम का समय है जब जाके ये अपना रात में समय दे रहे हैं। सबकी अपनी अपनी बारी है कि कोई रात में तो कोई दिन में। जिस किसान को आज अपने खेतों में डटे रहना चाहिए ये उनकी मजबूरी है और सरकार की बेशर्मी है कि वो किसानों को खेतों की बजाय आज सड़कों पर लेकर चली आई है। वही किसान जिनकी वो लगातार दुहाई दे रही है कि हम किसानों के हक में ये बिल लाए हैं, किसानों से ही जानेंगे कि क्या कुछ परेशानियां आ सकती है इन बिलों से। असी क्या नाम है सरदार जी? जगतार सिंह। क्यों आए हुए हैं आप? ये जो काले कानून है इनका करके आए हैं। सरकार तो बिल्कुल मन बना चुकी वापसी नहीं करना, कब तक बैठे रहेंगे? ठंडक का मौसम है, ऐसी बुजुर्ग लोग हैं, सबको तकलीफा हो रही है। मन तो हम भी बना के आए हैं, जब तक वापस नहीं लेंगे ना तब तक जाएंगे नहीं। अच्छा। देखते हैं सरकार जीतेगा हम जीते हैं। अच्छा एक बात और, वो तो कह रहे हैं जो असली किसान है वो तो खेतों में बैठा हुआ है और गृह मंत्री जी ने कहा हम बंगाल में जा रहे हैं किसानों के पास बात करने के लिए, तो ये सगरे किसान नहीं है क्या? ऐसा करो जो बोलता है ना असली किसान नहीं है, आप भी चलिए हमारे साथ और जो बोलता है उसको भी लेके चलिए और नाले बताएंगे कैसे खेती होता है, कौन किसान है कौन नहीं किसान है। तो वो जो है यहाँ का है बात करने के लिए नहीं आ रहे? चाचा आप बताइए बंगाल क्यों जाना पड़ रहा है? यहाँ तो किसान बैठे हुए सगरा किसान है, हरियाणा दी, पंजाब दी, यूपी दी, बताए हरियाणा का किसान बैठा हुआ, पंजाब का किसान बैठा हुआ, बंगाल क्यों जा रहे हैं? बंगाल तो आई जा रहा है, जो नहीं गाल मानता हमारी, कितना सा मरगज, वो 3 महीना हो गया इधर बैठे को, भी साड़ी मांग तो तैन कुन वापस कर नहीं करता वो। बताए बंगाल से वोटा लेने जाते? अच्छा वोट वोट लेने चुनाव है। हाँ देखिए सारी बातें कुल मिला के खुल के आ रही है कि गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि बंगाल में चुनाव है तो बंगाल के किसानों से बात करेंगे, जो सिंघू बॉर्डर पे किसान बैठे हुए वो किसान नहीं है। और भी एक जी हैं, हम उनसे कल करेंगे, उनसे बात करेंगे कि उनका इन बिलों को लेकर क्या कहना। असी सदा जी कहाँ से आए हैं आप? हम पंजाब से आए हैं, जलंधर से। हाँ। हम एक काले कानून वापस कराने के लिए आए हैं, जब तक वापस नहीं करेंगे हम लोग नहीं जाएंगे, घर में सारा सेट करके आए हैं, काम चल रहा है हमारा, सारा काम जो हुआ रुका नहीं है हमारा, और भी है भाई बहन वो सारा काम कर रहे हैं, जब जितना तक वापस नहीं हो गए हम लोग नहीं जाएंगे, पूरा मन बना कर आए हैं। बाबा जी आप बैठे हुए हैं, सर्दी का मौसम है, इतनी कड़ाके की रात में सरसरी हवा चल रही है, आपके दौर में तो बुजुर्ग आराम कर रहे हैं, लेकिन आपका जोश देख के, आपका जुनून देख के हम जैसे लोग ढीले पड़ जाते हैं। जिन्ना चरे कम ना मने उन चर बैठे रहेंगे, महीना बह जाइए, 6 महीने बह जाइए, जिन चर ना हो वापस इतने बैठे रहेंगे ट्रालियां, जब तक वापस नहीं होगा तब तक इतने बैठे रहेंगे। राशन बहुत लिया हो, 6 महीने का राशन आ गया। अच्छा 6 महीने का राशन कोचवा, जितनी देर ये नहीं जाएंगे उतनी देर हम कैसे जाएंगे?
छह महीने का वो देखो राशन लेके आता हमारा, छह महीने का लेके आया इधर, पूरी फुल व्यवस्था है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा इंतजाम है। किसान कहते हैं अगर सरकार हट करके बैठी है तो हम भी हटी करके बैठे हुए, पूरा प्रबंध है हमारे तो। अच्छा, सोलर सिस्टम लगा के आएंगे, बड़ा छह महीने बैठना पड़े बैठे। अरे ये क्या है, छह क्वांटल बेसन लेके आया, बना के छह क्वांटल लेके आया, छह क्वांटल देखो, तीन क्वांटल हमारा लग गया, तीन क्वांटल हमारा ब्याह है। तो जो लोग शहरी जिंदगी जी रहे हैं और वो कह रहे हैं गाँव में कुछ नहीं रखा हुआ है, तो उनको गाँव वालों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। आप देखिए कैसा ये आधुनिक तक सिस्टम, और आपको लाइट से लेकर हर एक फैसिलिटी इस ट्रॉली में मिलेगी। और ये बड़ा शुक्रगुजार है हम किसानों के, जो पूरे देश के हक और हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, और बताइए, मतलब हम बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि देश में कोरोना बहुत है, जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ कोरोना क्यों नहीं होता? अच्छा, इधर भी कोरोना बोल रहे हैं, उधर भी कोरोना बोल रहे हैं, और एमपी में जाते हैं भाई साहब मास्क भी रखे हुए हैं, सैनिटाइजर भी है, पूरा प्रबंध है हमारे पास, देखो सब लेके आओ बस। तो ये देखिए हम ट्रॉली में बैठे हुए हैं, किसान कह रहे हैं हम भी पूरा फुल इंतजाम से आते हैं, चाहिए तो ले जाओ प्रधानमंत्री जी को भी दे दो। हाँ, प्रधानमंत्री जी को भी मास्क, लेकिन उन्होंने तो आजकल दाढ़ी वाड़ी खूब लंबी बढ़ाई हुई है, हमारे भी तो दाढ़ी वाले लगाते हैं, दाढ़ी रखी है, वो कटौंदा जी अभी लग रहा है, बस कहना क्या है, बस जो कायम करो तीन कानून वास नहीं करेगा कि हम नहीं जाएगा, जो वास होएगा। अच्छा, एक बात और आपसे कि अगर हमारी ये बात आपकी गृह मंत्री जी तक पहुंचे, अमित शाह साहब तक, तो आप क्या कहेंगे गृह मंत्री? हम बोलेंगे भी आज वापस कर लो हमारे एक कानून वास, हम आज चला जाएंगे, रोड खाली कर देंगे, जाएगा वापस। अच्छा, गृह मंत्री तो अमित शाह के बगैर बोलते है कुछ नहीं, हो जो बोलता है रोटी खा ले वो खाता है, वो बोलेगा नहीं खाने तो नहीं खाएगा। अच्छा, मोदी जी? हाँ मोदी, दोनों ही मोदी, बड़ा मोदी और छोटा मोदी। अच्छा, बड़ा मोदी और छोटा मोदी जो बोलेंगे वही नीचे वाले करेंगे, आपको मालूम ही है। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, लंगर की व्यवस्था है, ये सारे इंतजाम है, कैसे मैनेज हो रहे हैं? भाई साहब एक कुदरत की देन है, हमारे पंजाबियों ने जहाँ भी लंगर लगाया कभी कमी नहीं होती, चाहे एक साल चले चाहे छह महीने चलेंगे, ये लंगर का कमी नहीं होगा कभी भी, पूरा इंडिया भी आ जाए तो भी नहीं कमी आएगा। जैसे 20 किलोमीटर तक दुनिया बैठी है, लंगर ही लंगर लगा है 20 किलोमीटर तक। 20 किलोमीटर लंबा दायरा है, आप सुन लीजिए, किसानों के बीच बैठे हुए बहुत लंबा दायरा है। आपको मालूम होना चाहिए जो लंगर चल रहा है खाली रोटी चावल का नहीं चल रहा, जहाँ तो पिस्ता बादाम काजू सौगी मेवे सब कुछ चल रहा है, पिज्जा तक चल रहा है, यहाँ दूध खीर सब कुछ चलता है। 12 क्वांटल आया आज पिनी, ऐसा वाला 12-13 क्वांटल आज आया पिनी, इसलिए देखो तेल कितना आया उधर से, 1 लाख का तेल आया उधर से, इधर डीजल तेल। अच्छा डीजल भी फ्री आ रहा है, 1 लाख का डीजल आया इधर। आपके यूपी से किसान आना चाहते हैं तो उसको भी संदेश हमारा दे दीजिए, डीजल हम व्यवस्था का किसान पूरा आ रहा है, जगह जगह मुख्यमंत्री जी ने बॉर्डर सील किए हुए हैं, लेकिन वो मजबूरी में नहीं आ पा रहे हैं। बॉर्डर तो हमारे भी सील थे, बॉर्डर को थोड़ा ऐसा करना पड़ता है, थोड़ा ऐसा पासे पीछे ना। तो अगर उत्तर प्रदेश के किसान हमें सुन रहे हैं कि जब हम देश को खिला भी सकते हैं, कि देश को आवाज को आगे बढ़ा भी सकते हैं, आप भी हाथ में हाथ दीजिए और इस लड़ाई को और मजबूत बनाइए। हम लगातार सिंघू बॉर्डर से आपको अपडेट दे रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। दादा खास्ता तो क्या इंतजाम है दवाई वगैरह? भैया यहाँ इतना बड़ा खुराक मिलता है ना, देखो काजू बादाम सौगी मेवे कैसे बीमार हो जाएंगे, हमारे तो बुजुर्ग सुबह 4 बजे जाके ठंडे पानी से नहा के आते हैं। आपने नहाया कभी ठंडे पानी से? नहीं, हम भी किसानी के बेटे हैं, खैर किसान सच बोलिए, नहीं सच्ची बात है, ठंडे पानी से नहाते हैं सुबह बच्चे पे? भाई हम लोग तो गीजर वाले आदमी, उधर देखो सुबह 4 बजे ठंडे पानी से नहाते हैं, हम भी नहाते हैं, हम दिन में जाते हैं, हमारे बुजुर्ग है ना जो सुबह 4 बजे जाते हैं जहाँ। अच्छा वाटर कैनन के उसमें, और वो वाटर कैनन चला रहे हैं और आप जवाब? भैया वाटर कैनल का हमको कोई मुश्किल नहीं, लेकिन हमको मुश्किल है वो गंदा पानी लाते हैं गटर वाला वाटर कैनल में। अच्छा छिड़के भी तो साफ पानी छिड़के, साफ पानी छिड़के फिर तो अच्छा है, लेकिन जो गटर वाला पानी यूज करेंगे तो दिक्कत है हमको, इतना बुरा नहीं। आप ये जान सकते हैं, देख रहे हैं कि किसानों का कितना दिल मजबूत है, कितना हौसला मजबूत है, कि वो एक शेर है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजू है कातिल में। तो अब की बार टक्कर बराबर वालों से हुई है, सरकार कह रही है हम हटेंगे नहीं, और जवान भी कह रहे हैं दूसरी तरफ किसान कि हम भी नहीं हटेंगे, देखते हैं आप में कितना दम है। हम तो भैया हमारा जो प्रेसिडेंट है ना किसान प्रेसिडेंट, हमको बोल दे कि 10 किलोमीटर आगे जाना है ना, हम तैयार हैं।
हम तैयार है वाटर। किसके नेतृत्व में है आप लोग? हम हमारे जो है ना सीनियर है उसका नाम है सतनाम सिंह पन्नू, जो पास में स्टेज चलता है ना, ये उनकी अगुवाई में चल रहा है। हम सभी लोग जितना भी आया ना, कम से कम जिस रोज हम आया है 1200 ट्राली और 300-400 ट्रक था हमारे साथ, उस सतनाम सिंह पन्नू के साथ थे सब। अच्छा एक बात बताइए, चूंकि आज इतने गाँव के मर्द है वो सब यहाँ पे प्रोटेस्ट में है, गांव का काम खेती का कैसे मैनेज हो रहा होगा? भैया पहले तो हम अपना खेती का काम क्लियर करके आए हैं। हमारे गांव वाले जितने भी है ना, इधर देखिए जितना भी किसान खड़ा है ना, किसी एक गांव के किसान को पूछ लो कि तुम अपने गांव के पूरे किसानों का काम देख लेंगे, हर आदमी बोलता है हम देख लेंगे। मैं भी बोलता हूँ मेरे पूरे गाँव वाले यहाँ आ जाए तो मैं अकेला ही उसका काम करवा दूंगा, लेबर से करवाएंगे हो जाएगा। आप बताएं आपका क्या नाम? मेरा नाम जसप्रीत सिंह है। यार इससे पहले तो खैर आंदोलन ऐसे हुए भी नहीं हो, मैंने देखे तो खैर एक टिकैत साहब का आंदोलन है, अपने पिताजी से लोगों से सुनते हैं, आपके समय में ये आंदोलन हो रहा है, इतना बड़ा आंदोलन कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है, पर सरकार को चाहिए हमारे हक में दे जो भी फैसला है। डर सा नहीं लग रहा है कि बताइए, हम नौजवान पीढ़ी है। नहीं नहीं डर दूर कोई नहीं है, आगे जान वही थे। फिलहाल मैं सिंघू बॉर्डर पे हूँ और आप लगातार अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।